नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्जुन पटियाला फिल्म के 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में, ऋतिक रोशन के फिल्म सुपर 30 के 18 दिनों के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे कंगना रनौत के हालिया रिलीज फिल्म जजमेंटल है क्या के भी 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड अब तक टोटल कितना कलेक्शन कर लिया और इसमें से कौन सी हिट रही और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें अर्जुन पटियाला फिल्म के बारे में, तो अर्जुन पटियाला फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है दिलजीत दोसांझ और उनके साथ में है कीर्ति सेनन, सतीश कौशिक और वरुण शर्मा। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट है 20 करोड़ रुपये। वही दोस्तों इस फिल्म को रिलीज किया गया है लगभग 1200 स्क्रीन पर। आपको बता दें दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धीमी शुरुआत ली थी और वीकेंड में भी फिल्म के कलेक्शन में कोई खास जंप देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए। वही दोस्तों दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन और भी नॉर्मल रहे और फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 2 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया लगभग 3 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें चौथे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों चौथे दिन यानी मंडे फिल्म के कलेक्शन और भी ज़्यादा ड्रॉप हो गए और फिल्म अपने चौथे दिन यानी मंडे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 4 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 7 करोड़ 80 लाख रुपए। वही अगर बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो दोस्तों अर्जुन पटियाला फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 11 करोड़ रुपये। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें अगर सुपर 30 फिल्म के बारे में, तो सुपर 30 फिल्म जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है ऋतिक रोशन और मृणाल ठाकुर। दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आज कंप्लीट कर लिए हैं 18 दिन और फिल्म ने 18 दिनों में काफ़ी शानदार कलेक्शन किया और फिल्म धीरे धीरे ही सही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम सुपर 30 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों सुपर 30 फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 11 करोड़ 83 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने वीकेंड यानी शुरुआती 3 दिनों में 50 करोड़ रुपए कमा लिए थे। बात करें फर्स्ट वीक कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सुपर 30 फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी अपने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 75 करोड़ 85 लाख रुपए। वही दूसरे हफ्ते में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 37 करोड़ 86 लाख की। अब अगर बात करें तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने तीसरे हफ्ते में अपने 15वें दिन कमाए 2 करोड़ 14 लाख रुपए, 16वें दिन कमाए 4 करोड़ 47 लाख रुपए और 17वें दिन फिल्म के कलेक्शन में फिर से जंप आया और फिल्म ने 17वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 6 करोड़ 10 लाख रुपए। वही बात करें 18वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों सुपर 30 फिल्म 18वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों सुपर 30 फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 128 करोड़ 42 लाख रुपए इंडिया नेट। वही अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 147 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 179 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 179 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया और फिल्म आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड मार्केट में 200 करोड़ की कमाई भी कर लेगी। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें जजमेंटल है क्या फिल्म के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और उनके साथ है बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर राजकुमार राव। वही दोस्तों इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं जिम्मी शेरगिल। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के बारे में, तो फिल्म एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी ओपनिंग तो ली थी, लेकिन अच्छे रिव्यूज के कारण फिल्म ने वीकेंड में गजब का ग्रोथ दिखाया और फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी कर लिया।
जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें जजमेंटल है क्या फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले बता दें आपको इस फिल्म का बजट। तो दोस्तों फिल्म का बजट है 35 करोड़ रुपये, वही 10 करोड़ रुपये इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट है, यानी फिल्म पूरी तरह कंप्लीट होती है 45 करोड़ में। वही अगर बात करें स्क्रीन काउंट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को लगभग 2000 स्क्रीन के आसपास रिलीज किया गया है। अब आपको बता दें दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 5 करोड़ 40 लाख रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 8 करोड़ 2 लाख रुपए। वही तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में और भी ग्रोथ देखने को मिला और फिल्म ने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है 10 करोड़ 50 लाख रुपए का। वही दोस्तों अगर बात करें चौथे दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म ने चौथे दिन भी अच्छा होल्ड बनाए रखा और ये फिल्म चौथे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है लगभग 4 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों जजमेंटल है क्या फिल्म का जो 4 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 28 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जजमेंटल है क्या फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया 39 करोड़, यानी 39 करोड़ रुपए। आपको बता दो दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए इंडिया नेट कलेक्शन करना होगा 60 करोड़, यानी कि फिल्म ने अभी तक कमाए 28 करोड़ रुपए। फिल्म को अभी और कम से कम 32 करोड़ की कमाई और करना होगी, जब जाके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो पाएगी। तो आप देखते हैं दोस्तों, तो जजमेंटल है क्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है या फ्लॉप, वैसे आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली साउथ बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।